I am 9 years old. फ्रेंड्स, मैंने गोल्क एक्सप्रेस फेब्रुअरी 2021 में अपनी मदर ममता संधू जी के थ्रू ज्वाइन किया था। तो गोल्क एक्सप्रेस ज्वाइन करने के बाद हमारे मेंटोर्स हमें भगवान से रिलेटेड टॉपिक समझाते और इतने अच्छे एग्जांपल्स और सिंपल लैंग्वेज में समझाते कि कोई छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा। गोल्क एक्सप्रेस एक डिवोशनल ग्रुप है, ऐसा ग्रुप जो मैंने कभी भी नहीं देखा, कहीं भी नहीं, ना ही कभी सुना। यहाँ पर हम अपनी थॉट फीलिंग शेयर कर सकते हैं और आज मैं आप सभी को परशुराम जयंती पे एक प्यारी सी पोयम आप सभी के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। हरी हरी बोल। त्रेता युग में विष्णु के छठे अवतार थे परशुराम, जन्म से भी ब्राह्मण थे, किया उन्होंने क्षत्रियो जैसा काम। पिता महर्षि जमदग्नि, माता का नाम था रेणुका। पिता महर्षि जमदग्नि, माता का नाम था रेणुका। जमदग्नि का पुत्र होने के कारण नाम पड़ा जामदगण्य। बचपन से ही वे बड़े प्रतापी और तेजस्वी थे, शिव जी के भक्त थे अनन्य। शिव जी की तपस्या कर उन्होंने परशु पाया, फिर कहलाए परशुराम। अक्षय तृतीया के दिन जन्मे थे भगवान परशुराम जी। शिव जी के तपस्या कर पाया इन्होंने परशु, कहलाए परशुराम। महर्षि विश्वामित्र से इन्होंने शिक्षा ली, जीवन में इन्होंने सदा पितृ भक्ति ही अपनाई। जीवन में इन्होंने सदा पितृ भक्ति ही अपनाई। पिता की आज्ञा हेतु माता का शेष काट दिया, जब पिता हुए प्रसन्न तो माता का जीवन मांग लिया। जब सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने छह से पिता की हत्या की, कुपित हो प्रतिशोध लिया, 21 बार पृथ्वी क्षत्र विहीन किया। जब सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने छह से पिता की हत्या की, कुपित होकर प्रतिशोध लिया, 21 बार पृथ्वी क्षत्र विहीन किया। भीष्म कर्ण द्रोण को इन्होंने शिक्षा दी, भगवान परशुराम है पृथ्वी के चरणजीवी। भगवान परशुराम है पृथ्वी के चरणजीवी। समस्त ब्राह्मणों का गौरव है ये, समस्त ब्राह्मणों का गौरव है भगवान परशुराम। जन्म से नहीं कर्म से पहचान बनती है, जन्म से नहीं कर्म से पहचान बनती है। भाइयों, जन्म से नहीं कर्म से पहचान बनती है। परिश्रम और कर्म से ही इंसान की पहचान बनती है। दुनिया के अंत तक रहेंगे भगवान परशुराम, शत शत नमन है इनको, करते गाते गीत गुणगान। अन्याय के खिलाफ शस्त्र उठाने का संदेश दिया इन्होंने महान, संदेश दिया इन्होंने महान। लास्ट में मेरे गुरुओं को मेरा सच सच नमन, और हे प्रभु, मैं अपनी सांसों का बना के हार आपके श्री कोमल चरणों में अर्पित करता हूँ। कृपया आप इसे स्वीकार करिए और मुझे अपना दास बना लीजिए, और मुझे अपना दास बना लीजिए। थैंक यू माय मेंटोर्स। मैं आपका कितना भी थैंक यू कर लूँ, लेकिन मैं कभी भी आपका ऋण नहीं चुका पाऊँगा। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा, क्योंकि आप ही ने तो मुझे भगवान के रास्ते पर चलाया है। आजकल इस भौतिक संसार में कौन किसको भगवान के रास्ते पर चलाता है? ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है। हे मेरे प्रभु,
केवल और केवल आपकी ही कृपा शक्ति पर। विजिट थ्रू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। गोलक एक्सप्रेस में आइए, अपने दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, राम हरे हरे। आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।